गाइस ये तो हो गई कड्डी। देखो कितनी मात्रा थी और इसकी उबल उबल के इतनी गाढ़ी दिख रही। क्या दिखाऊं मैं, चूल्हा भी अपने रंग पे आ चुका, रंग समझते हैं। तो अब इसको ये कपड़े से उठाते हैं और अब बाप रे ये मैं हॉट पॉट में डालता हूँ कुछ भी, जैसे दाल वगैरह, नाइट का भी सर्दी का स्पेशली समय है। तो इसमें फिर खाना खाता हूँ, जैसे खाना खाने में आराम से खाता हूँ शाम का खाना, आधे पौन घंटे से धीरे धीरे चबा चबा के, पुराने फिल्मी गीत सुनते रहो जो आपकी रुचि हो वो, तो उसमें अच्छा होता है वो, पॉजिटिव थिंग्स आती है। ऐसे सॉन्ग सुनने से आप बांसुरी सुन सकते हो और तबला बांसुरी बोल, यूट्यूब पे आजकल तो बहुत ही, आप अपनी मनपसंद फिल्म देख सकते हो, हॉलीवुड की अच्छी बहुत सारी फिल्में हैं, अपने यहाँ की फिल्में हैं, अच्छे सॉन्ग सुन सकते हो, कुछ भी चीज़, टाइम नहीं है कुछ काम भी कर, दूसरा हो खाना खाते टाइम कौन सा काम, तो भी आप सॉन्ग्स तो सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं तो उस टाइम क्या फिर गरम गरम आता रहे ऐसे, तो ये इसको आप बंद कर देंगे हॉट पॉट को, वो हो जाता है। अब ये मैंने तवा चढ़ा दिया इधर, ठीक है, तवा तो कैसे वो लक मिट्टी वाला एक आता वो होना चीज पे, मैं लाऊंगा कल, कल मैंने छुट्टी मारी है जो मेरी डेली नीड्स की बहुत चीज़ें, पानी का टैंकर भी मेरे को डलवाना है। और ये अब तवा लगभग होने लगा है, और ये देखो भाई सीधी सट बात है, मैं तो अब लेडीज़ वगैरह के तो देखो खाने बनाने में कोई होड़ कर नहीं सकता है, महिलाओं की तो जो पारंगतता जो उनकी एक होती है, सहज रुचि और जो उनमें नैसर्गिक गुण होते हैं महिलाओं में, जैसे कि ममत्व के या समर्पण के या एक क्रिएटिविटी के, तो वो चीज़ तो मेरे में नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश। तो ये मैंने आटा अच्छे घिससे मार दिए, उसके बाद ये पॉलीथीन पे थप थप करके और हो जाती रोटी लगभग, ठीक है। अब इसको ऐसे करना है, कैसे करना, इसको ले लिया ऐसे, पलटाने से हाथ पे, ये धनिया है इसमें कुछ नहीं, और ये डाल दिया सब तवे।